वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय सौरभ सर। आज बात करेंगे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने की। किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। अच्छा, क्या होता है ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना? इसका मीनिंग ये होता है कि एक वेक्टर की परछाई दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कैसी दिखाई दे रही है, या यूं कह दीजिए कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कैसा दिखाई दे रहा है। तो आइए मिलके कैलकुलेट करें। अब इसके लिए हमें क्या दिया होगा, तो मान के चलो हमें एक वेक्टर दिया है मेरे बेटे ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मान के चलो दिया है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल मान के चलो दिया है थीटा। अच्छा, अब मेरे को बोला ये है कि मुझे कैलकुलेट ये करना चाहता हूं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में कैसा दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा। तो कैसे स्टेप फॉलो करें? स्टेप नंबर वन, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये डाल दिया भैया परपेंडिकुलर। अच्छा भैया, जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है ये क्या शो करेगी? यही शो करेगी प्रोजेक्शन। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें भाई, यहां से यहां तक के पोर्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, अगर मैं देखूं कॉस थीटा निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर ये वेक्टर है इसकी लेंथ हो जाएगी ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बेटे ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या आया है अभी, ए कॉस थीटा अभी कैलकुलेट होके ये आया है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। लेकिन अपने को तो पूरा कंपोनेंट बताना है, तो इसमें डायरेक्शन भी चाहिए रहेगी। अच्छा साहब, ये किसकी डायरेक्शन में आया है कंपोनेंट? ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में आया है। तो जिसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है उसी की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्शन बतानी है अपने को। तो क्या करें इसमें, तो ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का कंपोनेंट, बी वेक्टर की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है। अब मुझे तो डायरेक्शन में बतानी है बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो क्या बना आंसर, तो मेरे पास वैसे तो यही आंसर है, लेकिन फिर भी इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? तो हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है मेरे बच्चों, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, ए कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकाल दें तो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए कॉस थीटा की। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितनी आ गई मेरे पास, ए डॉट बी अपॉन बी, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब ये बी कैप जो है इसको कैसे नोट करेंगे, तो इसको ऐसे नोट करेंगे बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ब्रैकेट के बाहर बी वेक्टर, बी वेक्टर अपॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये क्या चीज है, ये निकल के आ गया मेरे पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन फुल फ्लैश्ड फॉर्म। ठीक है भाई, अगर एग्जाम में ऑप्शन में ऐसा दिखे तो ऐसा टिक कर दीजिएगा आईटीजेई के अंदर नीट के अंदर, और अगर ऐसा दिखे तो ऐसा टिक कर दीजिएगा। इस पर न्यूमेरिकल आए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सक्षम है। मान के चलो अगर ये बोल देता कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर बता दो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो सिंपल काम उसमें भी यही करते। तो उसमें क्या करते, जैसे मान चलो ये तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर आया, अगर बोल देता कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर बताओ, तो क्या करते, तो देखो कैसे लिखते उसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब किसकी डायरेक्शन निकालता, बी वेक्टर की, लेकिन अब निकालना ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो ए वेक्टर लिख दो अपॉन इसी का स्क्वायर कर दो, ये आ जाता। ये क्या शो करता, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और ये क्या शो कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप लाइक करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रेस करेंगे तो आपको वो सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।